यहाँ पे देखिए पूरे गटर का पानी निकल चुका है और हम सभी लोग यहाँ पे देखिए बाहर पानी बका होनी हो तो विक्रम मतलब और इस पानी में जाना है। देखिए पापा पहले पहुँच चुके हैं। हेलो जी, कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। लोकेशन चेंज देख के आप लोग समझ गए होंगे कि मैं आई हूँ बनारस में। मैंने अपनी पिछली वीडियो में बताया था कि कुछ मुझे हेल्थ इशू चल रहे हैं जिसकी वजह से मैं आप सबसे शेयर करूँगी, तो बस मैं उसी के लिए आई हुई हूँ। मुझे जाना है हॉस्पिटल और मेरे सिस्टर लोग जो हैं वो क्या बोलते हैं किसी एग्ज़ाम का जो कुछ भी बुक वगैरह है या क्या है कागज़ वो नहीं निकलवाते हैं, वो सब निकलवाने के लिए गई हुई है। तो अभी है नहीं कोई, तो उन्होंने बोला कि आप चले जाना, हम लोग को टाइम मिलेगा तो हम वहीं आ जाएंगे हॉस्पिटल में ही, क्योंकि काफ़ी मेरी काफ़ी कुछ है जो अल्ट्रासाउंड है और पता नहीं ब्लड टेस्ट है और क्या क्या चीज़ें हैं। मेरे को काफ़ी तकलीफ़ें हो रही हैं, क्या तकलीफ़ें हो रही हैं वो मैं आपको बताऊँगी आगे। तो चलिए चलते हैं हॉस्पिटल। तो सबसे पहले एक ऐसा काम है ना कि काम के साथ साथ में अपना ख्याल रखना पड़ता है, तो काम भी करना है। तो मेरे पास ना 3-4 सूट है कोलैबोरेशन के लिए, तो मैं सोच रही हूँ कि मैं हॉस्पिटल में बहुत वीक फील कर रही हूँ, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है, लेकिन मजबूरी ऐसी है ना कि काम करना ही पड़ेगा। तो देखती हूँ अगर कोलैबोरेशन वहाँ पर शूट कर पाई मैं शायद 1-2 रील, हॉस्पिटल में तो पॉसिबल ही नहीं है, लेकिन अगर मैं कर पाई मतलब पहन लेती हूँ सब मिला के। मैं ये बता रही थी कोई सी कुर्ती, मैं बस आज ही चली भी जाऊँगी, मैं घर चली जाऊँगी मैं हॉस्पिटल के बाद आके। मेरी पूरी आंखें देखिए, मुझे बहुत बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हुई है। क्या प्रॉब्लम हुई है मैं आगे शेयर करूँगी आप सबके साथ। तो चलिए तैयार हो जाते हैं, तैयार का मतलब कि कपड़े चेंज कर लेते हैं, अभी वो लोग भी आएंगी तो उधर ही आ जाएंगी डायरेक्ट। अभी जो हूँ मैं देखिए दवाई लेने के लिए खड़ी हुई हूँ, और बाकी जो जांचें वगैरह थी या फिर जो कुछ भी प्रोसेस था वो हो चुका है। यहाँ पे उमंग शांति लगता अनाउंसमेंट हो रहा है मेरे नाम का, तो मैं एक बार दवाई ले लेती हूँ। बहुत 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 ज़्यादा भीड़ है, मतलब इतनी भीड़ है ना कि मैं आप सबको बता नहीं सकती हूँ। आपको एक बार दिखाती हूँ आप सबको, यहाँ पर देखिए कितना 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 ज़्यादा भीड़ है। बहुत ज़्यादा भीड़ है। आ चुकी हूँ घर, और घर पे आई हूँ तो ये देखिए टिफिन आ चुका था, तो टिफिन का ये रहा खाना। मैं सोचा कि चलो सुबह से ही मैं भूखी हुई हूँ और मुझे निकलना भी है अभी थोड़ी देर में, तो सबसे पहले मैं खाना खा लेती हूँ। यहाँ पे ये रोटी है, इतनी रोटियाँ तो मैं नहीं खा पाऊंगी, 4 रोटी तो मैं कभी खाती ही नहीं हूँ। आलू और चने की ये देखिए सूखी सब्जी, मैं पहले खा लेती हूँ सुकून से, फिर मैं आप सबके साथ अपनी रिपोर्ट वगैरह और अपनी चीज़ें सब कुछ शेयर करने वाली हूँ, क्योंकि बहुत तेज भूख लग गई थी।
तो आप इसे बहुत सारे लोग पूछेंगे कि मुझे मेरी तबीयत इतनी ज़्यादा अचानक क्यों ख़राब हो गई थी या क्या मुझे हुआ था। जैसे कि कई बार होता है पीरियड मिस हो गया था मेरा, तो उसमें क्या होता है कि फिर लगा कि नहीं ऐसा भी लगता है, क्योंकि हम प्लान भी कर रहे हैं, अपना बेबी प्लान कर रहे हैं, तो उसमें लगा कि अरे नहीं कुछ ऐसा ना हो, कुछ ऐसा गुड न्यूज़ हो, तो मन में खुशी सी हो जाती है जो हम अभी शेयर भले ही आपसे ना करें, लेकिन हम अंदर ही अंदर बहुत ज़्यादा खुश हो रहे होते हैं, बहुत ज़्यादा खुश हो रहे होते हैं। बहुत सारी ऐसे सिम्टम्स थे कि मुझे लग रहा था कि अच्छा नहीं 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 ये बात सच है सच है। फिर मुझे लगा कि चलो मैं एक बार हॉस्पिटल जाके मैं टेस्ट ही करवा लेती हूँ। फिर मैं हॉस्पिटल आई, मतलब मैं भाग के बनारस आई, और फिर आने के बाद जो टेस्ट वगैरह होते हैं तो ऐसा पता चला कि ऐसा कुछ भी नहीं है, बहुत ज़्यादा वीकनेस की वजह से, बहुत ज़्यादा वीकनेस है और ब्लड की कमी की वजह से ऐसा मेरे साथ हुआ है। तो आपके साथ भी ऐसा हो सकता है, कभी कभार आपके साथ भी या हो रहा होगा, भले हम शेयर करते हैं या नहीं करते हैं, ये बहुत बड़ी बात है जो मैं शेयर कर रही हूँ। बहुत सारे लोगों के रिएक्शन अलग अलग भी हो सकते हैं मेरी इस बात को शेयर करने पे, बट मैं बता दूँ कि मुझे लगता है, मैंने पहले ही बताया था कि जो चीज़ है वो मैं शेयर करती हूँ आप सबके साथ। तो आपके साथ भी ऐसा होना कि कभी आपको अपना ख्याल रखिए ताकि आपको इस तरह के प्रॉब्लम ना फेस करना पड़े। फिर कुछ मेरे टेस्ट हुए, डॉक्टर ने मेरे को कुछ टेस्ट और भी लिखे जिनके रिपोर्ट आएंगे, जो मैं आप सबके साथ शेयर कर लूँगी कि क्या चीज़ें क्या रिपोर्ट में आई हैं, बट ऐसी कुछ बात नहीं हुई। बट बहुत ज़्यादा मैं खुश हो गई थी, और मेरी जगह पे कोई भी होता तो वो बहुत ज़्यादा खुश होता। तो मैं बहुत दिनों से मुझे घबराहट हो रही थी, एंजाइटी जैसे, मतलब फिर भी मैं खुश थी कि चलो, मैं बहुत सारी चीज़ें चल रही थी, बहुत सारी चीज़ें दिमाग में चल रही थी। तो अपना ख्याल रखिए, और इन ऐसे रिलेटेड जो चीज़ें होती हैं उसको कभी ऐसे ना ले कह रहे चलो ठीक है हो रहा है, नहीं भी हुआ तो, ये बहुत बड़ी चीज़ होती है। बहुत सारे हमारे देश में, मुझे परसेंटेज तो नहीं पता है, मैंने गूगल नहीं किया है, बट महिलाओं को कैंसर जैसी बड़ी गंभीर बीमारियों का सामना भी करना पड़ जाता है, छोटी छोटी लापरवाहियाँ हम औरतों की हमें भी भारी पड़ जाती है। तो कभी भी आपके साथ में इस तरीके की चीज़ें हों तो आप तुरंत डॉक्टर से कॉन्टेक्ट करें, और मतलब कि मैं बहुत ज़्यादा, मैं मतलब ये वीडियो दो दिन एक दिन के बाद बना रही हूँ, मैं रुकना भी पड़ा मुझे, मैं जाने भी वाली थी, बट मतलब मेरा ना मन ऐसे एकदम दुखी जैसा हो गया, मैं किसी से कुछ भी शेयर नहीं कर पा रही थी, बट ऐसा मेरे साथ हुआ। तो ये है कि सेकेंड बेबी प्लान कर रहे हो तो इस तरह की चीज़ें आपको अच्छा भी फील कराती हैं, तो खुशी मिलता है, और डॉक्टर से भी हम कॉन्टेक्ट में हैं, तो डॉक्टर भी चाहती हैं कि नहीं, मतलब अगर उनके पास कोई इलाज कराने को आता है तो वो चीज़ उनकी हो जाए। तो ऐसा कुछ हुआ था, तो मैं सोचा कि चलो मैं आप सबके साथ शेयर कर देती हूँ। बाकी मेरे पिछली कुछ वीडियो है जो मैं आगे इंक्लूड कर दूँगी, और मुझे लगा कि आपसे छुपा के क्या ही फ़ायदा है, बता देती हूँ, वरना मैं सीधे सीधे आप सबके साथ एक गुड न्यूज़ ही शेयर करती ऐसा कुछ होता तो। तो जो भी फर्टिलाइजेशन जैसी प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं, जो बेबी प्लान कर रहे हैं, वो लोग समझ पाएंगे कि मेरी सिचुएशन क्या है, या फिर मैं ये चीज़ें जब आपको शेयर करती हूँ ताकि आप लोगों को हेल्प मिल जाए, कि वो इंसान मेंटली बहुत सफ़र करता है, बहुत 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 सफ़र कर रहा होता है, फिजिकली बहुत सफ़र कर रहा होता है, वो पेरेंट्स जो माँ बाप बनना चाहते हैं, वो कपल, वो हस्बैंड वाइफ, और इस तरह की चीज़ें जब आपकी लाइफ में होती हैं तो अप डाउन दोनों चीज़ें हमें देखनी पड़ती हैं। तो मुझे लगा कि ये वीडियो अगर मैं शेयर करूँगी तो शायद आपके लिए कुछ हेल्प हो जाए, या आप घबराए ना या परेशान ना हो। और मैं आपको एक चीज़ भी दिखाने वाली हूँ, मुझे ना बात करते करते अचानक से हंसी आ गई। ये देखिए, नहीं लगाओ तो बैठी हूँ। ये चश्मा, ये वाला लगा के कब से ना ये पढ़ाई कर रही है, और ये जब से चश्मा खरीद किया है ना ये सोते वक्त भी लगा दी, छोटे बच्चे जितनी करते हैं वैसे। कहाँ है बच्चे? इसको बुखार है। अरे क्या कह, बुखार बह रहा है बच्चे? कप वो देखिए, वो भी पढ़ाई ही कर रही है, ये भी पढ़ाई कर रही है, ये लोग भी खुश हो गए थे कि मौसी बनने वाली है। तो हमारी कुछ अच्छी भी वीडियो है जो कि इस वीडियो के बाद में कंटिन्यू आएंगी, पता नहीं क्यों आपको खुशी नहीं होने लगी। मिलते हैं आप सबसे कल की वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। हेलो, कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो अभी मैं बनारस आई हूँ, मैंने बताया था, अभी मेरी सिस्टर लोग गई थी अपना फॉर्म वगैरह वो करने के लिए, तो वो आ भी चुकी हैं। देखिए वो पढ़ाई भी कर रही हैं दोनों की दोनों।
तो थी नहीं, तो मैंने सब कुछ हैंडल कर लिया। तो बहुत सारे लोग पूछ रहे हैं या पूछेंगे कि क्या हुआ है आखिर में, आपको क्या प्रॉब्लम हुई है, क्या चीज़ें हुई हैं। तो प्रॉब्लम बहुत सारी एक साथ में हो जाती है, जैसे कि एक कई बार मैंने बोला भी था पिछली वीडियो में कि महिलाओं से रिलेटेड जो प्रॉब्लम होती है उस टॉपिक पे हम बात नहीं करते हैं। तो महिलाओं से रिलेटेड बहुत सारे प्रॉब्लम जैसे होते हैं जिन पर हम बात नहीं करते हैं। तो मैंने बोला था जैसे कि बहुत सारी चीज़ें हैं, PCOD की प्रॉब्लम होती है, पीरियड्स की जैसे प्रॉब्लम हो गई है, तो इस तरीके की चीज़ें फेस कर रही होती हैं। फिर मैं आई तो मुझे बस थोड़ा सा ही डॉक्टर को दिखाना था और मेरे को कुछ और भी ज़रूरी काम थे, तो मैंने वो सब निपटा लिया। तो जांच वगैरह जो भी लिखी वो जांच वगैरह हो गए, और जीवन है निरंतर कुछ ना कुछ चलता रहता है। तो अब से जो मैं आगे वीडियो शेयर करूँगी आप सबके साथ, वो बहुत ही बहुत 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 इंटरेस्टिंग वीडियो शेयर करूँगी। आप लोग देखिएगा, वीडियो को खूब सारा प्यार दीजिएगा। और ऐसा होता रहता है सबके ही साथ, आई थिंक होता रहता होगा, लेकिन हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग सब पे ध्यान देते हैं बट अपने आप के ऊपर कभी ध्यान ही नहीं देते। हमें ये सब चीज़ें नॉर्मल चीज़ें, एक कब एक दिन हमारी बड़ी प्रॉब्लम बन जाती है। कई बारी बहुत सारे लेडीज़ जो हैं वो इस तरीके से गंभीर बीमारियों का शिकार भी हो जाती हैं, ये छोटी 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 चीज़ें जो अवॉइड करती रहती हैं। तो आगे मैं जो भी वीडियोस हैं मेरे पास, पहले की भी मेरे पास वीडियो है पता है, मैंने डाले नहीं है जब मैं पापा के साथ आई थी, और अभी पापा भी आ जाएंगे यार आज, तो उनको भी जो कुछ भी है प्रॉब्लम है। तो मिलते हैं आप सबसे थोड़ी देर बाद, और आगे मैं जो पिछली वीडियो है ना वो शेयर कर दूंगी आप सबके साथ, तो देखिएगा आप सबको, आई होप कि सब बहुत अच्छा लगेगा। और पापा भी आ जाएंगे आज। हेलो, तो सावन में आप लोग भी बाबा विश्वनाथ जी के दर्शन कर लीजिए। मैं ब्लॉग यहाँ पे मतलब अंदर भी मैं दर्शन करके आ रही हूँ, शूट नहीं किया क्योंकि पहले ये था कि पापा के लिए मंदिर आए हुए थे, बट थोड़ा सा मैंने सोचा ये लोग बोलने लगी आ ही गई हूँ तो थोड़ा सा दर्शन अपने सबको सबके कष्टों का निवारण हो, तो आप सब विश्वनाथ जी के दर्शन कर लीजिए। बस थोड़ा सा ही, मैं अभी बस निकल रही हूँ, कोई आते जाते मैंने ब्लॉग ही नहीं शूट किया। पापा की दवाइयाँ भी लेके जानी है, फ्रूट्स वगैरह लेके जाने हैं, तो वही मैं अब जा रही हूँ, सब लेके आऊँगी। आ गई हूँ यहाँ पे बुक की जो है वो शॉप पे, और पापा के लिए भी एक बुक लेना था क्योंकि उन्होंने कौन सा बुक बोले थे, कौन सी वाली, स्त्रोत रत्नावली, कितने का है यार, अम्मे के लिए ले लेते हैं। तो यहाँ पे पापा की जो है वो बुक वगैरह लेनी हुई है, अभी हम लोग आगे बढ़ते हैं, यहीं पे मिलता है यहाँ पे, देखिए ही लेके आना। अच्छा, यहाँ पे देखिए हो चुका है रात का, दूधा बंद करो, यहाँ पे हो चुका है रात के 9:30 बज रहे, और मैंने आज ना नोजरिन बदली है, गोलू से पूछ लेती हूँ कि सो गोल्ड वाला कहाँ रखी है। और अन्नी जो है वो चाय बना रही है सबके लिए, हम जो है वो मैं सोच रही हूँ भुट्टा मत बोले सुबह ना मिले ना मिले भुट्टा, तो गुड मॉर्निंग प्रियंका, आओ यहाँ पे देखिए पूरे गटर का पानी निकल चुका है, और हम सभी लोग यहाँ पे देखिए बाहर पानी बका होनी हो तो विक्रम मतलब, और इस पानी में जाना है, देखिए पापा पहले पहुँच चुके हैं। यहाँ पे देखिए बना हुआ है लेटू खा ले सूजी का हलवा, क्योंकि पता नहीं क्यों बनाया ये तो मुझे नहीं पता है, इतना सारा ड्राई फ्रूट फेंके हैं, क्यों क्या हो गया था, एकदम कीड़ी लग गई थी इसमें। अच्छा, बहुत दिनों से ना रखा था।
बहुत दिनों से रखे रखे उसमें दिक्कत हो गई। हमें किशमिश रहा ना यही से ज्यादा लग रहा है सर। यहाँ पे देखिए गोलू खा रही है और यहाँ पे लाइट नहीं है हमारे यहाँ पे आज बनारस में। नाश्ता ये देखो मोटी भैंस प्रियंका जाओ हट के आओ जाओ जाओ ए, ए, केला के दीवार में। ए, पसंद मत कर इसको पहले पसंद नहीं आता था जब मैं डीप ब्लाउज बनाती थी अब बनावेला नहीं ये वाला बोली है थोड़ा छोटा गला है ये बोलती है नहीं डीप मत पहना करो दीदी डीप मत पहना करो। नहीं मैं ये नहीं कहती हूँ कि डीप एकदम मत पहना करो फिर कहीं जाना होता है रिलेशन में या फिर कहीं बाहर तो ऐसे ब्लाउज अनकम्फर्टेबल सा फील होता है इसको फिर कहीं इधर से दिख रहा है कुछ पिक्चू हम चाय बनेंगे तब वीडियो को बताओ कौन चाय बेचो रहे बाय नहीं चाय मैं बना देती हूँ।